अगर आपके पास भी वन प्लस नॉर्ड सीरीज का कोई फोन है तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फोन में लगातार धमाके हो रहे हैं। जी हाँ, धमाके। जुलाई 2020 में जब वन प्लस ने नॉर्ड सीरीज के पहले फोन वन प्लस नॉर्ड को लॉन्च किया तो इसका प्रमोशन वन प्लस के सबसे सस्ते फोन के तौर पर हुआ। 30,000 रुपए की रेंज में फोन खरीदने वाले यूजर्स बहुत खुश हुए कि चलो अब सस्ते में हमें ब्रांड वैल्यू के साथ एक फोन मिलेगा। वन प्लस की मेन सीरीज की तरह ही वन प्लस नॉर्ड सीरीज के साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी, लेकिन इस सीरीज ने भारत के लोगों को बहुत ही ज्यादा निराश कर दिया है। वन प्लस नॉर्ड सीरीज के फोन में लगातार आग लगने की शिकायतें आ रही हैं, बावजूद इसके कंपनी इस सीरीज को बंद नहीं कर रही है। नमस्कार, टिकटॉक के नए एपिसोड में मैं हूं आपके साथ प्रदीप पांडे। वनप्लस के फोन में आग लगने का ताजा मामला देश की राजधानी नई दिल्ली के लक्ष्य वर्मा से जुड़ा है। लक्ष्य के भाई के वनप्लस नॉर्ड 2 5G में एक जोरदार धमाका हुआ है। लक्ष्य ने फोन को 5 महीने पहले ही खरीदा था। फोन में उस वक्त आग लगी जब लक्ष्य वर्मा के भाई फोन पर बात कर रहे थे। घटना के बाद सर्विस सेंटर के कर्मचारियों ने फोन को रिपेयर करने से मना कर दिया। कंपनी ने इस मामले पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। आइए एक नजर डालते हैं वन प्लस नॉर्ड सीरीज के फोन के आग लगने की प्रमुख घटनाओं पर। खरीदने के 5 दिन बाद ही फोन में लगी आग। अगस्त 2021 में वन प्लस नॉर्ड 2 5G में आग लगी थी। एक महिला ने दावा किया था कि खरीदने के 5 दिन बाद ही फोन में धमाका हो गया था। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला फोन को अपने झोले में रखकर साइकिल से बाजार जा रही थी। फोन में अचानक से आग लगी और धुआं निकलने लगा। यह संभवतः नॉर्ड सीरीज में आग लगने का पहला मामला था। 8 सितंबर 2021 दिल्ली के वकील गौरव गुलाटी का फोन फटा। दिल्ली के वकील गौरव गुलाटी उन शुरुआती लोगों में से एक हैं जिनके वन प्लस नॉर्ड फोन में आग लगी है। गौरव के गाउन में वन प्लस नॉर्ड 2 5G उस वक्त फट गया जब वे अपनी कोर्ट चेंबर में थे। फोन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और गाउन में भी आग लग गई। फोन में आग लगने के बाद पूरा चेंबर धुएं से भर गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में वन प्लस ने गौरव को ही कानूनी नोटिस भेजा था। 27 सितंबर 2021 सितंबर 2021 के अंत में जिम्मी जोश नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके दावा किया था कि उनके वन प्लस नॉर्ड 2 के फास्ट चार्जर में जोरदार धमाका हुआ। जिम्मी के मुताबिक जब चार्जर में आग लगी तब बम के फटने जैसी आवाज आई। जिम्मी ने अपने ट्वीट में कहा कि वे भाग्यशाली रहे कि उनकी जान बच गई। चार्जर में धमाके के लिए कस्टमर केयर ने वोल्टेज को जिम्मेदार बताया, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। चार्जर को डिजाइन ही इसी तरह से किया जाता है कि वोल्टेज अप डाउन का उस पर कोई असर ना हो। नवंबर में वन प्लस नॉर्ड सीरीज के 2 फोन में लगी आग। सितंबर के बाद नवंबर में भी वन प्लस नॉर्ड सीरीज के 2 फोन में आग लगने की शिकायत मिली। फिर जनवरी में भी वन प्लस नॉर्ड में धमाका हुआ था और अब अप्रैल 2022 में वन प्लस नॉर्ड 2 5G में आग लगी है। हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि आखिर इस सीरीज के फोन में आग क्यों लग रही है। आपको याद दिला दें कि सैमसंग की नोट 7 सीरीज में आग लगने के बाद कंपनी ने फोन को वापस मंगा लिया था, लेकिन वन प्लस ने अभी तक ना ऐसा कोई कदम उठाया है और ना ही आग लगने के कारण बताए हैं। आप कॉमेंट में बताएं कि क्या आपको भी अपने वन प्लस नॉर्ड फोन के साथ डर लगता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।